पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंची हैं। खबर ये मिल रही है कि आज शाम को ममता बनर्जी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि शाम 4:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी की मुलाकात होगी और शाम 6 बजे का वक्त रखा गया है जब ममता बनर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी दिल्ली में नीति आयोग के सत्र में हिस्सा लेने के लिए आई हैं। बता दें आपको, पीएम मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के जीएसटी बकाए पर पीएम मोदी से चर्चा कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर आई ममता बनर्जी गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं और कई मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकती हैं। हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। वैसे सूत्रों की माने तो इससे पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ने दिल्ली पहुंचकर गुरुवार को पार्टी के सांसदों से मुलाकात की थी और उनसे संसद के मौजूदा सत्र और 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की थी। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की मुलाकात होती है या नहीं और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद इसके मायने निकलकर क्या सामने आते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे इन सब के बीच अनुमान लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी मीडिया से भी बात कर सकती हैं। हालांकि सूत्रों की माने तो इसकी संभावना बहुत कम है। ममता बनर्जी अपनी मुलाकात करने के बाद, नीति आयोग के सत्र में हिस्सा लेने के बाद सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो जाएंगी। खैर, कुल मिलाकर देखा जाए तो ममता बनर्जी एक मकसद से दिल्ली आई हैं और उनका ये मकसद पूरा होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बताते चले, पिछली बार जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसमें ममता बनर्जी ने साफ तौर पर द्रौपदी मुर्मू को समर्थन नहीं दिया था। हालांकि बाद में वो ये कहती हुई नजर आई थी कि हमको पहले बताया होता या फोन किया होता तो मैं ऐसा सोच सकती थी, लेकिन टीएमसी के ही नेता यशवंत सिन्हा को चूंकि यूपीए की तरफ से उतारा गया था तो खबर ये मिली कि ममता बनर्जी ने उनको ही समर्थन किया था। अब जब द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं तो उनसे मुलाकात कर ममता बनर्जी अपनी शुभकामनाएं उनको दे सकती हैं। आप बताइए इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं और बाकी इस दौरे से जुड़ी हुई, इस मुलाकात से जुड़ी हुई जो भी अपडेट आती रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे।